Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? मैटर था, ठीक है। मैटर क्या था कि एनीथिंग दैट हैज ए मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मैटर कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैटर के आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी थी, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो उसमें जिसमें क्या था, मॉलिक्यूल्स था, जो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस थे, अगर जिसमें जैसे लिक्विड है, गैस है, जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन सॉलिड में नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब आते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पे, ठीक है। मैटर की क्या क्या दशा होती है, ठीक है, क्या क्या स्थिति होती है उनकी, है। तो क्या है कि मैटर एक्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, ठीक है। मैटर कितने स्टेट्स में होते हैं, तीन स्टेट्स में होते हैं, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड और लास्ट वन नंबर थ्री गैस होता है, ठीक है। तो याद रहेगा हमेशा आप लोगों को, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड और नंबर थ्री गैस, हाँ, ये मैटर की थ्री क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब देखिए सॉलिड में हम लोग ने बात किया था कि सॉलिड क्या होता है, कि ये क्या सॉलिड क्या बहुत ही ठोस होती है, सॉलिड इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इसका आइस होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आइस, ठीक, जिसमें क्या था कि आप देखेंगे कि इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसका जो मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट होता है, वो कैसा होता है। अगर मान लीजिए ये आइस है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट कैसा होगा, पास पास होंगे, हाँ, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, हाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या था, सॉलिड स्टेट्स है, बहुत ही देखिए पास पास होंगे, इसमें नो इंटरमोलिकुलर स्पेस होंगे, इसमें कोई भी मॉलिकुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए इतनी बातें हो गई, अब देखिए नंबर टू क्या था, लिक्विड था, ठीक है। लिक्विड में क्या था कि लिक्विड का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, वाटर, मिल्क, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं लिक्विड के, ठीक है। इसका कैसा था, इसका जो अरेंजमेंट था, मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट कैसा था, थोड़ा दूर दूर था, ठीक है, इसी वजह से ये क्या हो जाता है, ये फ्लो हो जा रहा था और ईजिली किसी भी कंटेनर में ये अपना शेप ले ले रहा था, ठीक है। तो देखिए इसके जो ये क्या है, जो स्पेस बीच में, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, लूजली पैक्ड हैं, कैसे हैं, लूजली पैक्ड, क्लियर है इतना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंबर थर्ड गैस की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नंबर थर्ड गैस की बात करेंगे, ठीक है। गैस में हम लोग बात कर सकते हैं कैसे, कि देखिए स्प्रेड योर पाम, पाम मीन्स क्या होता है, हथेली, ठीक है। हमने हथेली को क्या किया, स्प्रेड कर लिया, फैला लिया, ठीक है। अभी कह रहा है कि इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब अपने सामने हमने ऐसे देखिए कर लिया, ठीक है, इस तरह आप लोग कर लीजिए। फिर क्या करना है कि एंड जेंटली ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ, अपने माउथ से, अपने मुंह से क्या करना है, धीरे धीरे क्या करना, हवा को बहाना है, कैसे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, डू यू फील समथिंग ऑन योर हैंड, अपने हाथ पे, अपने पाम पे कुछ आप महसूस करोगे, देखिए ऐसा करिए, ठीक है, तो आप देखिए कुछ महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है, देखिए यू विल फील वार्म एयर ऑन योर पाम, ठीक है। हम कैसा अपने हथेली पर कैसा महसूस कर रहे, गर्म हवा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन यू विल बी नॉट एबल टू सी इट, लेकिन हम इसको नहीं देख पा रहे हैं भाई, हमें देखिए ऐसे करी गर्म तो लग रहा है लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, तो वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, हवा को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एयर डज नॉट हैव अ शेप, क्योंकि
एयर के पास कोई भी शेप नहीं होता है, वो शेपलेस होती है. गैसेस डू नॉट हैव अ शेप, और गैसेस के पास भी कोई शेप नहीं होता. जैसे देखेंगे कहीं धुआं उठता है तो देखिए उसका कोई शेप नहीं होता है, वो बस अपने ही ऑटोमेटिकली वो एट रैंडम मूवमेंट में वो चली जाती है ऊपर उड़ के. हाँ, और देखिए ये हो गया गैस. गैस में एग्जाम्पल की बात कर ले तो हम लोग क्लाउड ले सकते हैं. ठीक है, क्लाउड जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका. हाँ, अब देखिए इसका द मॉलिक्यूल्स आर इन गैसेस आर लूजली अरेंज्ड, दीज आर लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इन द गैस. अब देखिए हम इसकी अरेंजमेंट की बात करेंगे, गैस के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो ये बहुत ही क्या होगा, देखिए बहुत ही दूर दूर है, बहुत ही दूर दूर. ठीक, देखिए देखिए इस लिक्विड के अपेक्षा देखिए कितना दूर दूर है, बहुत ज़्यादा. तो मतलब इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ही दूर दूर है, इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होंगे, मॉलिक्यूल्स क्या हैं बहुत ही दूर दूर हैं, उसमें स्पेस है, जगह है, और जो मॉलिक्यूल्स है क्या हैं, लूजली अरेंज्ड हैं. ठीक, लूजली अरेंज हैं बहुत. तो अब देखिए क्या, तो तीनों में अंतर समझ में आ गया. सॉलिड लिक्विड गैस में, सॉलिड देखिए ठोस होता है, इसको आइस, लिक्विड वाटर और गैस क्लाउड. ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, क्लोजली पैक्ड होता है. मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं. इसमें नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, हाँ इसमें नो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स स्पेस नहीं देते. लिक्विड में बात करें तो देखिए इसमें क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस पाए जाएंगे, और ये कैसे होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे. और थर्ड वन गैस की हम बात करें तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे, हाँ, और इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस पाए जाएंगे. अब आते हैं हम लोग, द टेबल गिवन बिलो गिव्स द डिफरेंसेस अमंग सॉलिड लिक्विड एंड गैस. अब हम इन तीनों मतलब कि सॉलिड लिक्विड और गैस में हम तीनों में अंतर कैसे पता करेंगे. ठीक है, टेबल में देखिए एक तरफ सॉलिड, बीच में लिक्विड और लास्ट में देखिए गैस बना हुआ है. ठीक है, तो देखिए क्या है कि सॉलिड में लिखता है कि हैव ए फिक्स शेप. सॉलिड में देखिए आप आइस को शेप दे सकते हो, साइज आइस का शेप कैसा होता है, क्यूब होता है. ठीक है, ऐसे शेप क्या है, क्यूब है. हाँ, क्यूब होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, ये सिलेंडर शेप में है. ठीक है, ये बुक है, हाँ ये कैसे रेक्टेंगुलर शेप में है. ठीक है, इसके कुछ शेप होंगे. ठीक है, अब देखिए लिक्विड में हैव नो फिक्स शेप, इसका कोई भी शेप नहीं होता. जैसे आप बॉटल लाते हैं स्कूल में, उसका देखिए कोई शेप नहीं होता वाटर का. ठीक है, वो किसी भी चीज़ में आप ढाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक वो शेप ले लेगा. और गैसेस में हैव नो फिक्स शेप, इनका भी गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता. आप कोई चीज़ जलाइए देखिए, उसमें से गैस निकलती है जब, तो देखिए उसका कोई शेप नहीं होता. अब आप जो है इंसेंस स्टिक जलाइए, मतलब अगरबत्ती जलाइए, ठीक है, या धूप बत्ती जलाइए, उसको देखिए कुछ जब उसमें से गैस धुआं निकलता है उसमें कोई शेप नहीं होता, वो ऑटोमेटिक ऐसे चलती चली जाती है, ऊपर उड़ के चली जाती है. अब देखिए नंबर टू, हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. देखिए आइस का भाई, आइस किस शेप का है, क्यूब शेप का है. क्यूब का कुछ वॉल्यूम होता है, आप लोग मैथ में ही पढ़े होंगे वॉल्यूम. ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम बराबर ए क्यूब होता है. अब देखिए लिक्विड में बात करें तो हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कि जो लिक्विड का होता है उसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. जैसे आप जैसे बड़े बड़े क्या होते हैं, जो सिस्टर्न होता है, सिंटेक्स होता है, उसमें देखिए लिक्विड का क्या होता है, वह वॉल्यूम निकाला जाता है लिक्विड का भी. ठीक है, कि कितना पानी उसमें भरा है. ठीक है, उसकी कितनी डेंसिटी है, ये सब चीज़ें मैथ में हम लोग निकालते हैं. ठीक है, और देखिए गैस में हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस में कोई भी वॉल्यूम इनका नहीं होता, जीरो. ठीक है, नो वॉल्यूम. अब देखिए सॉलिड पे फिर हम लोग आते हैं, तो कैन नॉट चेंज शेप इजिली, ये अपना शेप इजिली क्या कहते हैं, चेंज नहीं करता है. ठीक है, जैसे देखिए मेरे हाथ में ये बोल्ड मार्कर है, तो क्या ये शेप चेंज कर लेगा, नहीं करेगा. ठीक है, देखिए सिलेंडर शेप है तो क्या रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा, नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए और कैन नॉट फ्लो, भाई ये फ्लो तो नहीं करेगा है ना, अब इसको हम चाहें बहा दें तो बह तो नहीं जाएगी. ठीक है, अब देखिए लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, लिक्विड क्या है कि हाई टू लो क्या होता है, फ्लो करता है. ठीक है भाई, अब पानी गिरा दीजिए ऊपर से, अगर गिराइए देखिए क्या, पानी धीरे धीरे करके नीचे बह जाता है, नीचे से ऊपर तो जाता नहीं है पानी. ठीक है,
अब थर्ड में देखिए, कैन स्प्रेड अबाउट इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस जो होती हैं वो भाई किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। भाई हमको तो पता नहीं होता किस डायरेक्शन में जाएंगी। देखिए अब हम लोग चिमनी में आप देखते होंगे जो ऊपर से गैस निकलती है, हाँ जहरीली गैस जो निकलती है वो देखिए किसी भी दिशा में चली जाती है, वो उनको नहीं पता कि किस दिशा में जाना है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वन है सॉलिड में कि हैव क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए मैंने पहले बताया कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, बहुत ही एक दूसरे से क्या होंगे, बहुत ही क्लोज होंगे। ठीक है, अब लिक्विड में देखिए हैव लेस क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं, लूजली पैक्ड हैं। ठीक है, और लास्ट वन देखिए लिक्विड में हैव वेरी लूजली पैक्ड, बहुत दूर दूर, वेरी लूजली, बहुत ही ढीले, लूजली पैक्ड हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए आपका लेट्स ट्राई टू आ जाता है। ठीक है, ये आपको हम कंटेंट में सेंड कर देंगे। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ओके, थैंक यू क्लास।